आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। सोमवार की सुबह कैंट थाना क्षेत्र के छावनी रेलवे क्रॉसिंग के पास करीब 40 वर्षीय अज्ञात युवक की गला रेत कर हत्या का प्रयास। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। ऑपरेशन के बाद भी स्थिति नाजुक, युवक की शिनाख्त नहीं। SPCT ने कहा जल्द होगा मामले का खुलासा, स्थिति होगी स्पष्ट। सुखैती के शक में 23 जुलाई को जगह थाना क्षेत्र के ग्राम जमरू में दिन दहाड़े चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को उसके साथी के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। SP नॉर्थ ने किया सनसनी केस खुलासा, भेजा जेल। ग्राम पंचायत अधिकारी अनीश चौधरी की हत्या के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के द्वारा विकास भवन में आयोजित किया गया शोक सभा। दी गई श्रद्धांजलि, आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की गई मांग। CDO ने मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर DVNPG कॉलेज में आयोजित हुआ व्याख्यान माला। कर्नल इंद्रजीत घोषाल सहित शिक्षकों एवं छात्रों ने वीर अमर शहीद जवानों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कर्नल ने छात्रों से साझा किए कारगिल युद्ध के दौरान के अपने अनुभव। सावन के पहले सोमवार को महादेव झारखंडी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। स्वयंभू शिवलिंग पर जलपात्र में बेलपत्र भांग धतूरा भरकर विधि विधान से किया महादेव का अभिषेक। भक्तों ने कहा महादेव पूरा करते हैं सभी मनोकामना। पुलिस मुठभेड़ में मिथुन पासवान गैंग का शातिर अपराधी व हत्या में वांछित अभियुक्त धर्मदेव को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। घायल अवस्था में पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि एक साथी हुआ फरार। एक चोरी की लाइसेंसी DBBL गन 12 बोर, एक खोखा कारतूस 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस 12 बोर तथा मोटरसाइकिल किया बरामद। SPCT ने दी जानकारी। गोरखपुर में सोमवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,356। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 30 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशित अली के जनपद में प्रथम आगमन पर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कहा मुस्लिम समाज है भाजपा के साथ, 2022 में दोबारा बनाएंगे प्रदेश में भाजपा सरकार। सोमवार को जिला अस्पताल सहित 82 केंद्रों पर 23,629 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। CMO ने कहा जनपद में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों को किया जा चुका है वैक्सीनेशन। नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। तिवारीपुर पुलिस ने रविवार की रात सूरजकुंड इलाके में जुआ के अड्डे पर मारा छापा। दो व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, बरामद किए 45,000 रुपए नगद। विजय कारगिल दिवस के अवसर पर भारत नेपाल मैत्री समाज के तत्वावधान में गौतम गुरुंग तिराहे पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कारगिल के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक वाहन चोर को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सावन के पहले सोमवार को मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में उमड़े शिव भक्तों की भीड़। जलाभिषेक व रुद्राभिषेक कर लोगों ने की मंगलमय जीवन की कामना। और शासन के निर्देश पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का सोमवार को दिखा मिलाजुला असर। SPCT ने कहा रात्रि 10 बजे के बाद घरों से ना निकले बाहर, घर में रहें, सुरक्षित रहें।